नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। राज्य मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने का समाचार है, जिसके अनुसार बख्शी समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दी गई, जिससे अनेक पदों के वेतन त्रुटि दूर हो रही है। इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण फैसला विभिन्न महानगर पालिकाओं में स्वीकृत सदस्यों की संख्या बढ़ाने के बारे में लिया गया। इससे अमरावती और अकोला की महानगर पालिका में वर्तमान 5 स्वीकृत सदस्य की बजाय 7 या 9 सदस्यों तक संख्या बढ़ाने की संभावना है। शहरी विकास विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कतर से नागपुर हवाई अड्डे पर पहुंचे युवक की नियमित जांच करने पर वह कोविड पॉजिटिव पाया गया। उसी क्षण उसके मोबाइल का सिम कार्ड बदलने के कारण उससे संपर्क नहीं हो पाया। ऐसे में प्रशासन ने उसकी खोजबीन शुरू की। यह युवक भाग गया, ऐसी अफवाह फैलते ही युवक के पिता ने खुद प्रशासन से संपर्क साधकर अपने बेटे के क्वारंटाइन में रहने की बात बताई। कोविड वायरस के चीनी सब वेरिएंट की वजह से पूरी दुनिया में एक बार फिर कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के जरिए राज्य के विमान तलों पर पहुंचने वाले यात्रियों की अनिवार्य तौर पर कोविड जांच की जा रही है। इसके तहत महाराष्ट्र के पुणे, मुंबई व नागपुर इन 3 अंतर्राष्ट्रीय विमान तलों पर अब तक 12 यात्रियों में कोविड संक्रमण के लक्षण पाए जाने की पुष्टि हुई है। इन सभी मरीजों की फिलहाल जीनोम सिक्वेंसिंग टेस्ट रिपोर्ट मिलना बाकी है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी निवास स्थान के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर दर्ज हुए मामले से खुद को दोषमुक्त किए जाने की मांग आज सांसद नवनीत राणा व उनके पति विधायक रवि राणा ने विशेष अदालत में याचिका दायर करते हुए की। इस याचिका को सुनवाई हेतु स्वीकार करते हुए अदालत ने मुंबई पुलिस से आगामी 2 फरवरी तक इस मामले में अपनी भूमिका स्पष्ट करने हेतु कहा। विगत दिनों अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक नितिन देशमुख ने बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा को लेकर बयान देते समय काफी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, जिस पर पलटवार करते हुए विधायक रवि राणा ने कहा कि ठाकरे गुट में विधायक नितिन देशमुख सबसे ज्यादा फड़फड़ करने वाले नेता हैं और उन्होंने राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार रहते समय तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ कई गलत काम व पाप किए, लेकिन अब उनके पाप का घड़ा भर गया है और चूंकि अब उनके कामों का हिसाब होने वाला है तो वे ज्यादा ही फड़फड़ कर रहे हैं। युवा स्वाभिमान पार्टी के वर्धापन दिवस के साथ ही राजमाता जिजाऊ मां साहेब व स्वामी विवेकानंद जयंती पर्व के उपलक्ष्य में युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा साइंस कोर मैदान पर स्वाभिमान कृषि महोत्सव व भव्य रक्तदान शिविर के साथ ही महिलाओं के लिए हल्दी कुमकुम का आयोजन किया जा रहा है। इस पूरे आयोजन को लेकर आज साइंस कोर मैदान पर बुलाई गई पत्रवार्ता में खुद विधायक रवि राणा ने पूरे आयोजन को लेकर विस्तार के साथ जानकारी दी। उभारले जात आहे मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्था आहे। रोज शेतकरी इथे येतील, त्यांची जेवणाची इथे व्यवस्था ठेवलेली आहे। म्हणजे कोणी जरी आलं तर हा तिथे जेवण करून गेले पाहिजे या उद्देशानं तो शेतकरी असो इव्हेंट या कृषी महोत्सवाला पाहण्यासाठी येतात। अनेक इथे कामगार काम करतात, अनेक महिला येतात, त्यांनासुद्धा सकाळी पासून संध्याकाळपर्यंत पूर्ण जेवणाची व्यवस्था आहे, ही सुद्धा व्यवस्था या ठिकाणी केलेली आहे। अचलपुर में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय की नई इमारत के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है और जल्द ही अदालत की इमारत का निर्माण शुरू किया जाएगा। क्षेत्र के विधायक बच्चू खड़ू तथा अचलपुर वकील संघ के प्रयास आखिरकार इस इमारत के जरिए सफल होते दिखाई दे रहे हैं। धारणी तहसील के कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा धारणी को मध्य प्रदेश में शामिल किए जाने की मांग की जा रही है। ऐसे में मिलघाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रहार के विधायक राजकुमार पटेल ने धारणी को मध्य प्रदेश में शामिल किए जाने का साफ तौर पर विरोध किया और कहा कि मध्य प्रदेश में मेलघाट वासियों का कोई भविष्य नहीं है। शहर के युवा उद्यमी व ख्यातनाम बिल्डर नितिन गबने द्वारा संचालित इंदू कंस्ट्रक्शन कंपनी को बेलोरा विमानतल पर टर्मिनल बिल्डिंग व एटीएस टावर के साथ ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, महावितरण के उपकेंद्र, वीआईपी पार्किंग, रेगुलर पार्किंग व हार्टिकल्चर वर्क के साथ ही इंटरनल इम्यूनिटीज वर्क का ठेका आवंटित हुआ है। इन सभी कामों के लिए ठेके का मूल्य 44,36,00,000 रुपए तय किया गया। यह ठेका इंदू कंस्ट्रक्शन कंपनी ने लोएस्ट वन रहते हुए 40,70,00,000 रुपए में हासिल किया। इंदू कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम ठेका खुलने के साथ यह बहुत जल्द महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी द्वारा कंपनी के नाम वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा, जिसके बाद बेलोरा विमानतल पर कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष काम की शुरुआत की जाएगी। बडनेरा रोड के नवाते चौक से सटे बड़े प्लॉट पर मल्टीप्लेक्स बनाने के मनपा के इरादे में बाधा नजर आ रही है। टेंडर सूचना जारी होने और इससे सप्ताह भर की समयावधि देने के बावजूद अब तक किसी भी पार्टी या प्रतिष्ठान ने टेंडर नहीं उठाया है, जिससे महानगर पालिका को दूसरी बार टेंडर की मियाद बढ़ानी पड़ी। शहर के कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस व शिवसेना के कई लीडर्स द्वारा इस मल्टीप्लेक्स का कड़ा विरोध किया जा रहा है। मकर संक्रांति के पर्व पर होने वाली पतंगबाजी में नायलॉन मांझे की बिक्री और उपयोग पर पाबंदी लगाई गई है। महानगर पालिका क्षेत्र में कार्रवाई करने के लिए जोन न्यायिक दल गठित किए गए हैं, जिसके चलते महानगर पालिका व पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की जाएगी।
अमरावती संभाग की स्नातक विधान परिषद सीट हेतु आज 5 लोगों ने 6 नामांकन उठाए, जिससे अब तक दाखिल नामांकनों की संख्या 10 हो गई। वहीं दूसरी तरफ आज 19 पर्चे उठाए गए, जिससे पर्चे उठाने वालों की संख्या 85 तक जा पहुंची है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की महत्वपूर्ण परीक्षा में अमरावती के दर्जनों विद्यार्थियों ने सफलता का परचम लहराया और इस जानकारी के मुताबिक अमरावती के 62 विद्यार्थी इस कठिन परीक्षा में सफल रहे। वहीं सीए इंटरमीडिएट में भी अमरावती के कई छात्र छात्राओं ने शानदार सफलता हासिल की। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संगठन द्वारा जिला परिषद प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि वे अपनी विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर आगामी 16 जनवरी को कामबंद आंदोलन करते हुए जिला परिषद के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे और यदि इसके बावजूद भी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की मांगें पूरी नहीं होती हैं तो संगठन द्वारा पूरे राज्य में अनिश्चितकालीन कामबंद आंदोलन किया जाएगा। आदिवासी फांसे पार्टी समाज संगठन द्वारा जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि मृतक के वारिसदार को सहायता दिलाने के लिए तैयार की गई रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी है और उन्हें सहायता से वंचित रखा गया, इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रहार अपंग क्रांति संस्था ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए नौकरी व रोजगार के समान अवसर मिलने को लेकर बैठक बुलाने हेतु समय मांगा। शिवसेना बाला साहब ठाकरे पार्टी के जिला प्रमुख अरुण पडोले का जन्मदिन आज विभिन्न सामाजिक उपक्रमों के साथ मनाया गया। शेगावना का परिसर स्थित अभियंता भवन में सुबह 11 बजे से आशा स्वयं सेविकाओं का सम्मान व पार्टी के नवनिर्वाचित सरपंचों व सदस्यों का सत्कार करने के साथ ही गरीबों व जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। इसके अलावा सुबह 11 से शाम 5 बजे तक महारक्तदान शिविर आयोजित किया गया। कल नरसिम्हा कॉलेज के क्रिकेट ग्राउंड में केजी क्रिकेटर्स व स्टार शूटर के बीच ग्रैंड फिनाले मैच खेला गया, जिसमें क्रेजी क्रिकेटर्स ने 17 रन से फाइनल मैच जीता। माहेश्वरी पंचायत द्वारा स्वर्गीय प्रवीण मालू की स्मृति प्रीत्यर्थ माहेश्वरी प्रीमियर लीग का आयोजन 2 से 5 फरवरी तक किया गया है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए आईपीएल की तरह खिलाड़ियों की बोली लगाई गई और सभी टीमों ने बोली लगाकर अपने पसंदीदा खिलाड़ियों का चयन किया। आधुनिक काल में इंटरनेट का उपयोग बैंकिंग, गेमिंग, शिक्षा और सोशल मीडिया के लिए बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, लेकिन लेन देन ऑनलाइन हो जाने के कारण साइबर अपराधी इसका दुरुपयोग करते हुए लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। इस वजह से पुलिस विभाग द्वारा हमेशा जन जागृति के लिए नई सूचना जारी की जाती है। इसी के तहत साइबर पुलिस थाने में पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के हाथों सीसीटीएनएस प्रणाली का गो लाइव किया गया। अब तक पुलिस द्वारा चोरी छिपे तरीके से बिक्री करने हेतु गांजा तस्करी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब पुलिस ने गांजे का दम भरने वाले गंजेटियों को भी अपने निशाने पर लिया है, जिसके तहत गत रोज ही राहड़गांव परिसर में गणपति मंगल कार्यालय के पास बैठकर गांजा फूंक रहे 2 गंजेटियों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई की। साथ ही ये चेतावनी भी जारी की कि शहर में जो भी व्यक्ति गांजा पीता हुआ दिखाई देगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चांदूर बाजार अगार की एसटी बस के इंजन में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। यह बस मोर्शी रोड पेट्रोल पंप पर डीजल भरने हेतु लाई गई थी और डीजल भरने के बाद पंप से बाहर निकलने के समय यह बस बंद पड़ गई, जिसके कारण ट्रैफिक जाम होने लगा। इस समय जब बस को शुरू करने का प्रयास किया गया तो उसके इंजन में आग लग गई। अपराध शाखा पुलिस के दल ने वेंकैयापुरा में चोरी की मोटरसाइकिल बेचते समय अब्दुल वसीम व दिनेश घरडे नामक 2 आरोपियों को रंगे हाथ धर दबोचा। साथ ही उनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल सहित कुछ वाहनों के कलपुर्जे भी बरामद किए गए। जीवन ज्योति कॉलोनी स्थित संत गजानन अपार्टमेंट के फ्लैट में 5 व्यक्ति अलग अलग मोबाइल द्वारा वर्ली मटके का उतारा कर रहे हैं। इसकी सूचना मिलते ही अपराध शाखा पुलिस के दल ने फ्लैट पर छापा मारकर 5 आरोपियों को रंगे हाथ धर दबोचा। आशियाड कॉलोनी में रहने वाली 53 वर्षीय महिला को यूट्यूब पर प्रलोभन देते हुए ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर महिला व उसकी सहेली के पति के खाते से 2,21,000 रुपए निकालकर धोखाधड़ी की गई। सूचना मिलने पर साइबर अपराध शाखा पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए जांच शुरू की है। सेमाडोह के जंगल में मवेशी चराने के लिए गए चरवाही युवक पर कल सोमवार की दोपहर 2:30 बजे के आसपास 2 भालुओं ने हमला कर दिया, जिसमें सागर अधिकार नामक 17 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। चांदूर बाजार शिराला मार्ग पर सड़क के बीचों बीच अचानक सुअर आ जाने के कारण मोटरसाइकिल फिसल कर हुए हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए राजू भीमराव आमले नामक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के दस्तूनगर परिसर में विक्की पाचंग के नामक मामा के साथ 5 वर्षीय भांजा गजू वालवे रास्ता पार कर रहा था। इसी दौरान कल्याण नगर में रहने वाला सिद्धांत दुबे नामक युवक तेज गति से मोटरसाइकिल लेकर गुजरा, जिसने बच्चे को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में गजू वालवे के सिर में गहरी चोट लगी और उसके हाथ पर बुरी तरह से घायल हो गए, जिसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान गजू वालवे की मौत हो गई। वृंदावन कॉलोनी निवासी 55 वर्षीय यशवंत दाभाड़े को 2 व्यक्तियों ने अपने आप को बैंक कर्मचारी बताते हुए एटीएम से पैसा निकालते समय 40,000 रुपए का चूना लगा दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यवतमाल के पिंपल गांव मार्ग पर डेयरी परिसर के खेत में शराब बिक्री के पुराने विवाद को लेकर 30 वर्षीय युवक की उसके दोस्त ने हत्या कर डाली। मृतक की शिनाख्त पंकज कराले के तौर पर हुई है।
यवतमाल की अपराध शाखा पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक वाहन चुरा कर जगत माता मंदिर परिसर में रहने वाले आदित्य निरकर को बेचा करता है, जिसके आधार पर पुलिस ने कुख्यात चोर आदिनाथ को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 2,40,000 रुपए मूल्य की चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की। इस आरोपी ने अमरावती के अरविंद चौक से भी एक मोटरसाइकिल चुराई थी। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।